बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले तमाम रिसाला वज़ाइफ़ के नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अला वालो, आज आपके हवाले एक ऐसा वजीफ़ा करना है जो सिर्फ़ एक दिन का वजीफ़ा है, सिर्फ एक दिन का वजीफा है और सिर्फ तीन बार पढ़ना है। सूरा फातिहा के बारे में हर कोई जानता है और आपने सूरा फातिहा के बेशुमार वजाइफ भी किए होंगे, लेकिन सिर्फ तीन बार सूरा फातिहा का ये खास वजीफा एक ऐसा खास अमल है जिसे जो बंदा अपने मकसद की नियत करके पढ़ लेगा, इंशाअल्लाह वो मकसद मुसल्ला छोड़ने से पहले पूरा हो जाएगा। अलावा सूरह फातिहा की फजीलत और बरकत के बारे में हर कोई जानता है। रब काबा को यह सूरह इतनी मखसूस है, इतनी मकबूल है, इतनी महबूब है कि रब काबा ने कुरान मजीद का आगाज सूरह फातिहा से किया। रब काबा ने मोमिन पर पांच नमाजें फ़र्ज फरमाई और हर रकत में सूरह फातिहा को पढ़ना लाजिम करार दिया। इस सूरह में रब का शुक्र अदा किया जाता है, रब की वाहदानियत और रब की जलालो इकराम के बारे में बताया जाता है। अलावालो, इस सूरह को पढ़ने से मेरा रब रासी हो जाता है। आप में से बहुत से लोग चाहते हैं कि रब को रासी कैसे करना है, तो रब को रासी करने का वाहिद राज शुक्र है। सूरह फातिहा रब को रासी करने का बेहतरीन तरीका है। आज हम बड़ी बड़ी हाजात, बड़े बड़े वज़ाइफ़, बड़े बड़े अमाल करते हैं सिर्फ इस नीयत से कि हमारा ये काम हो जाए, हमारी शादी वहाँ हो जाए, हमें वो नौकरी मिल जाए, हमारे घर में रिज़्क और दौलत आ जाए। हम दुनियावी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि जिस ज़ात ने हमें रिज़्क देना है, हमें दौलत देनी है, हमें कामयाबी देनी है, हमारे मकसद में कामयाबी देनी है, वो ज़ात राज़ी हो जाएगी तो दुनिया की हर चीज़ खुद ब खुद मिल जाएगी। अब आज आपको जो वसीफ़ा बताऊंगा, रब से मांगने का तरीका बताऊंगा, जो बंदा इस तरीके से रब से मांगेगा, मैं दुनिया की कोई ताकत रब के खिलाफ नहीं जा सकती। आप रब को राज़ी कीजिए। ये रिस्क, ये दौलत, ये शोहरत तो छोटी चीज़ें हैं जो नामुमकिन हैं, जो आपको लगता है कि पूरा हो नहीं सकता, वो भी खुद चलकर आपके पास आ जाए। सिर्फ सूरह फातिहा को तीन बार पढ़ना है, बताए गए तरीके से पढ़ना है, मुंह से निकली हर हाजत पूरी हो जाएगी, जिस चीज़ में हाथ डालोगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। अलावालो, लोग वजीफे बताते हैं, आप वजीफे पढ़ते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा क्यों नहीं होता? क्योंकि रब से मांगने का अंदाज और तरीका नहीं बताया जाता। वज़ाइफ तो वही हैं, कुरानी आयात, कुरानी अमाल तो वही हैं, लेकिन जब कभी वजीफे को मखसूस तरीके से पढ़ा जाता है, फिर मेरा रब रासी हो जाता है, फिर हर हाजत पूरी हो जाती है। आइए आपको वो ख़ास अंदाज, वो तरीका बताऊं जिससे रब रासी होता है और रब को मनाना आसान हो जाता है। इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई मसला है, बीमारी है, परेशानी है, मुसीबत है, नज़रबद है, हसद है, कोई भी मसला है, आप कमेंट में अपने मकसद, अपनी परेशानी के लिए पूछ सकते हैं, आपको बरवक्त जवाब दे दिया जाए। अब अमल क्या है? आप किसी भी वक्त ये वसीफ़ा पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। कोशिश कीजिए कि सुबह फजर के बाद पढ़िए, या नमाज असर के बाद रात सोने से पहले किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। बावसु मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात पर 3, 7 या 11 बार दरूद पाक पढ़िए। दरूद पाक पढ़ते ही अपने मकसद की नियत कीजिए कि आपको रब से क्या चाहिए। नियत इस अमल का बुनियादी हिस्सा है। आपने मोहम्मद मुस्तफ़ा पर दरूद पाक पढ़ते ही अपने मकसद की नियत करनी है कि मौला करीम,
आज मैं कर्ज से निजात के लिए, मनपसंद नौकरी के लिए, मनपसंद शादी के लिए, बेरोजगारी से निजात के लिए, बे औलादी के खात्मे के लिए, अपनी दुकान दफ्तर कारोबार को नज़रबद हसद जादू जिन्नात से हिफाजत के लिए आपको नियत का तरीका भी बताया है कि आप इस तरह नियत कर लीजिए। नियत करने के बाद वहीं बैठे आंखों को बंद कर लीजिए, पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ सूरा फातिहा पढ़ना शुरू करनी है। आइए मिलके पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आपने सूरा फातिहा को मुकम्मल पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह सूरा फातिहा को 3 बार पढ़ते दौरान आप जिस हाजत को, जिस मकसद को, जिस ख्वाहिश को जहन में रख कर बैठेंगे, मेरा रब उस मकसद को, उस हाजत को, उस हर ख्वाहिश को पूरा फरमा देगा। अल्लाह वालों, अब रब को मनाने का अंदाज़ क्या था? अंदाज़ ये था कि आपने ये वसीफ़ा घर के खामोश कोने में बैठकर पढ़ना है। लोग वसीफ़ा पढ़ते हैं हाथों में तस्बीह, सामने टीवी चल रहा है, बातें चल रही हैं, ऐसे वसीफ़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता। रब को मनाना है तो 3 बार सूरह फातिहा को खामोश कोने में बैठकर पढ़ना। आपने यूँ तसव्वुर करना है कि आप सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, रब सुन रहा है, रब की ज़ात करीब बैठे सुन रही है। इस मोहब्बत से पढ़ना है कि अर्शे इलाही पर बैठे रब को आप पर तरस आ जाए, मेरा रब राजी हो जाए। और जब रब की रज़ा आ जाती है, फिर दुनिया की कोई ताकत आपसे आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। इंशाअल्लाह एक बात तो ये कि आपने खामोश कोने में बताए गए तरीके से पढ़ना है, दूसरी बात वजीफ़ा करते ही अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जिन लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती, हाजात और ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, मेरा रब नाराज़ होता है गुनाहों की पकड़ की वजह से। जब सच्ची तौबा करके रब से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर ली जाती है, फिर मेरा रब राजी हो जाता है, फिर मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। तीसरी बात, वजीफ़ा करते ही हाथ उठाकर आंखों में आंसू लिए सिद्ध करके मांगना, जो मांगोगे मिलता चला जाएगा। इस अमल की इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और अपना पूरा नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको आपके पूरे नाम के साथ इजाज़त दी जा सके। ये वसीफ़ा ख़ुद भी कीजिए, दूसरों को बताइए। इसके अलावा आपका कोई भी मसला है कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए, आपको आपके मसले का हल और जवाब फ़ौरी तौर पर दे दिया जाएगा।